अवश्य मूवी में तुम ये चीज देखते आ रहे हो कि हमारा जो रंगा कैरेक्टर होता है उसका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो शुरू से ही व्हाइट कलर का होता है एंड गोल्डन कलर की चेन्स होती है। और क्या तुम लोगों को पता है कि इसका एक बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है जो कि रंगा के कैरेक्टर की एनालिसिस करता है। और तो और एक सीन में तुमको देखने को मिलता है जब रंगा अपने टीम को छोड़ देता है तो उसकी यहाँ पर बियर्ड होती है, लेकिन आफ्टर दैट उसकी पूरी की पूरी मूवी में कोई भी बियर्ड वाली सीन नहीं दिखाई गई है। तो इसका भी एक बहुत ही डीप सिंबोलिज्म है। और तो और एक चीज नोटिस करोगे, जब रंगा की फर्स्ट टाइम एंट्री होती है, जब वो इन लॉन्डो को अपना दोस्त बना लेता है, वहां से उठ करके जब वो बाहर निकलता है, उसके बाद जो हमारा टाइटल और टेक्स्ट आते हैं आवेशम की स्टार्टिंग सीन का, वो भी तुम देखोगे तो व्हाइट और गोल्डन कलर का ही देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। और तो और लास्ट में मैं तुमको एक बोनस हिडन डिटेल बताने वाला हूँ जिससे तुम लोगों का माइंड ब्लो हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रंगा के इस व्हाइट कलर के शर्ट और गोल्डन कलर के चेन के बारे में। तो देखो मैं सबसे पहले बता दूं, तो अगर स्टोरी के हिसाब से चलोगे इस मूवी के तो तुमको पता चलेगा कि रंगा जो है वो व्हाइट कलर का शर्ट एंड गोल्डन कलर का चेन इसलिए पहनता था क्योंकि वो पहले जिस टीम में काम करता था, मतलब जो उसका बॉस था, वो भी सेम ड्रेसिंग सेंस फॉलो करता था एंड रंगा उसी के ड्रेसिंग सेंस को कॉपी किया था। एंड यही रीजन है कि इसका जो बॉस था वो इससे दुश्मनी कर लिया था एंड लास्ट में इन दोनों के बीच में फाइट भी इसी रीजन से हुई थी क्योंकि वो जो बॉस था वो उससे ये बोलता था कि रंगा ने तुमने मेरा ड्रेसिंग सेंस फॉलो कर लिया जिसकी वजह से बाकी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं रंगा की कॉपी करता हूँ। तो ये तो मूवी की स्टोरी हो गई, लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर ने एक बहुत ही ज्यादा हिडन मीनिंग इसमें छुपा के रखी है। आखिर क्यों रंगा ने व्हाइट कलर और गोल्डन चेन ही पहना, उसका क्या सिंबोलिज्म था जो कि रंगा के कैरेक्टर के बारे में ये कलर बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करता है। एंड अगर तुम लोग ये जानने की कोशिश करोगे तो व्हाइट कलर जो होता है वो प्योरिटी, इनोसेंस, पीस, सिंप्लिसिटी को एक्सप्लेन करता है। और यही चीज तुम देखोगे रंगा के कैरेक्टर में भी तुम्हें देखने को मिलेगी। रंगा इमोशनली बिल्कुल प्योर कैरेक्टर था, उसे कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए था जिसे वो अपनी फीलिंग शेयर कर पाए, जो कि इस वाले सीन से हमें देखने को मिलता है कि उसके घर पे मर्सिडीज बेंज खड़ी होती है, लेकिन वो मर्सिडीज बेंज को नहीं लेकर के चलता है, वो एक भाई लिटरली कोई भी टोयोटा की गाड़ी लेकर के चल रहा होता है। तो तुम एक चीज देख ही सकते हो कैसे व्हाइट कलर के थ्रू, उसके क्लॉथिंग के थ्रू रंगा के कैरेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। एंड यही रीजन है कि डायरेक्टर ने व्हाइट कलर को चूज किया, लेकिन यहाँ पर जो गोल्डन कलर था उसका भी एक डीप सिग्निफिकेंस था। एंड अगर तुम लोग जानोगे तो गोल्डन कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो तुम्हारे वेल्थ, लग्जरी, सक्सेस और पावर को शो करता है। एंड सेम चीज अगर तुम रंगा के ऊपर अप्लाई करोगे तो वो चीज वहां पर परफेक्टली फिट बैठती है। रंगा बहुत ज्यादा वेल्दी है, वेल्दी मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास, एंड इसी चीज को शो करने के लिए वो गोल्डन कलर की चेन, गोल्डन कलर की घड़ियां और गोल्डन कलर की अंगूठियां वो पहन के बैठा है। लेकिन इस चीज को कनेक्ट करने के लिए स्टोरी वाइज इन लोगों ने ये चीज दिखा दी कि भाई इसका जो बॉस था वो भी इसी कलर का शर्ट पहनता था। लेकिन अगर डायरेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में बात करें तो डीप मीनिंग तो यहीं से आती है। लेकिन मूवी के लास्ट में रंगा हमारा ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहनते हुए दिखता है, इवन अपनी गाड़ी का कलर भी वो ब्लैक करा लेता है। उसका क्या मीनिंग है, उसका भी बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है जिसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रंगा के बियर्ड के बारे में। थ्रू आउट द मूवी तुम देखोगे कि रंगा की दाढ़ी तुमको नहीं देखने को मिलेगी। रंगा की केवल एक सीन में हमें दाढ़ी देखने को मिलती, जब वो अपने बॉस की टीम को छोड़ देता है, जब उसकी मम्मी से उसकी बात होती है, जब उसकी मम्मी रंगा से बोलती है कि यार तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो, तो रंगा भाई पीछे हाथ कर लेता है, जो ये मतलब निकलता है कि रंगा भाई उस गुंडागर्दी वाली टीम को नहीं छोड़ने वाला। एंड उसके बाद जब वो एंट्री सीन आता है तो वहां पर देखोगे रंगा का बियर्ड होता है। रंगा वही व्हाइट कलर का शर्ट एंड वही गोल्डन चेन पहना हुआ होता है एंड उसकी वहां पे बियर्ड होती है। लेकिन आफ्टर दैट सीन तुम देखोगे तो बियर्ड उसकी गायब हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा क्यों किया गया एंड इसकी पीछे की डीप मीनिंग क्या है। तो अगर तुम ये जानने की कोशिश करोगे तो बियर्ड शो करती है तुम्हारी मस्कुलिनिटी को, तुम्हारे टफनेस को, तुम्हारे आइसोलेशन को। तो ये तीनों सिंबोलिज्म आता है बियर्ड का। और ये चीज अगर तुम रंगा के ऊपर अप्लाई करोगे तो तुम्हें पता भी चलेगा कि रंगा उस टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलिन कैरेक्टर था क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो एक सिंबोलिज्म जो कि आइसोलेशन को शो करता है, और उस समय रंगा जो था वो अपनी टीम को छोड़ दिया था, मतलब वो आइसोलेट हो गया था, जिसको इस बियर्ड वाले लुक से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन उसने बियर्ड को आगे चल करके कटवा दिया, पूरा खत्म करवा दिया। तो उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका एक मतलब है वो थे उसकी मम्मी की कसम। तुम लोगों को पता होगा कि आगे वाले सीन में जब ये तीनों लॉन्डो को रंगा का ये बंदा स्टोरी सुना रहा होता है तो बताता है कि रंगा किसी भी बंदो को अपने हाथों से नहीं मारता। एंड उसका रीजन ये होता है, रंगा की मम्मी जब गुजर गई तो उसके बाद रंगा ने कसम खाई कि आज के बाद वो अपने हाथों से किसी बंदो को मारेगा नहीं, उसकी टीम मारेगी, वो नहीं मारेगा। और इसी चीज का सिंबोलिज्म उसके विदाउट बियर्ड को शो करता है कि रंगा अभी टफ गाय नहीं रह गया है, वो एक लड़ाई करने वाला जानवर नहीं है, वो अभी बहुत सिंपल गाय बन चुका है जो खुद किसी को नहीं मारेगा। एंड बियर्ड के निकाल देने का मतलब का सिंबोलिज्म यही है कि अब वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर उसके अंदर का चला जा चुका है, अब वो बहुत क्लीन बंदा बन चुका है, बहुत ही इनोसेंस बन चुका है, जो कि ये
शो भी करता है कि भाई रंगा अपनी टीम का एक प्रोफेशनल बंदा है, वो अपनी टीम का बॉस है। और तो और ये विदाउट वियर्ड हीरो के सिंबोलिज्म को भी शो करता है, और तो और प्रोटैगनिस्ट के भी सिंबोलिज्म को शो करता है, जो कि ऑब्वियसली रंगा इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट भी था हीरो भी था। तो इस तरीके से नो बियर्ड और बियर्ड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से डायरेक्टर ने इस मूवी में एक्सप्लेन किया तुम लोग खुद ही देख सकते हो। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आता है हमारा लास्ट मूवी के लास्ट सीक्वेंस में रंगा के ये पूरे के पूरे ब्लैक लॉथिंग सेंस का। तो देखो अगर मूवी की स्टोरी के हिसाब से बात करोगे तो तुम्हें क्लियरली पता होगा किसका जो बॉस होता है मूवी के लास्ट में रंगा की उससे फाइट हो जाती है। एंड भाई बॉस लास्ट में उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई तूने मेरा ड्रेसिंग सेंस कॉपी कर लिया, इसी की वजह से मैं तुझको मारना चाहता हूँ। लास्ट में रंगा उसे जान से मार देता है, लेकिन रंगा उसी की वजह से अपना ड्रेसिंग सेंस व्हाइट से ब्लैक कर देता है। लेकिन इसका भी एक बहुत ही डीप मीनिंग है, एंड वो डीप मीनिंग इस तरीके से आता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है, एंड फ्यूनरल को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर इस चीज को कनेक्ट करके देखोगे तो इस टाइम में रंगा लॉस तो बहुत कुछ कर चुका था। मूवी के लास्ट वाले सीन में वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने बॉस पे करता था, उसने अपनी बॉस की टीम को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि रंगा को ऐसा लगता था कि उसका बॉस काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए वो अपने बॉस को खोया। एंड बॉस को खोने के बाद उसने अपने तीनों के तीनों दोस्तों को खो दिया, क्योंकि वो अपने तीनों दोस्तों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, इन तीनों कॉलेज लौंडों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था। लेकिन मूवी के लास्ट में उसे पता चला कि भाई ये तीनों तो बस काम करवाने के लिए मेरे साथ थे, एंड यही चीज उसके ब्लैक कलर की क्लॉथिंग सेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट में और भी ज्यादा तुम्हें स्ट्रेंथन देखने को मिलेगा, उसकी गाड़ियां भी ब्लैक, उसके सब कुछ ब्लैक, एंड जिससे लास्ट में उसका इमोशनली वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब उसे और भी किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना है, अब वो और भी काफी ज्यादा कैपेबल हो चुका है, अब किसी पे भी उसे विश्वास नहीं करना है। और यही चीज तुम देख सकते हो कि भाई एक नॉर्मल सा क्लॉथिंग सेंस किस तरीके से पूरी की पूरी मूवी के कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस को एक्सप्लेन करता है। जब आवश्यक मूवी की स्टार्टिंग में पहली बार रंगा का इंट्रोडक्शन हो जाता है, रंगा इन तीनों लॉन्डो से मिल लेता है, फिर रंगा बोलता है कि हम लोग कल बात करेंगे। उसके बाद रंगा फर्स्ट टाइम उठ करके अपने बंदों के साथ जब गाड़ी में बैठने के लिए जाता है, गाड़ी में जब बैठ जाता है तो रंगा का इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद आवश्यक का बहुत बड़ा सा टाइटल आता है, डायरेक्टर का नेम आता है। एंड उस टाइटल को तुम एक चीज नोटिस करोगे तो वो भी टाइटल व्हाइट एंड गोल्डन कलर का होता है, एंड वो व्हाइट एंड गोल्डन कलर ऑब्वियसली रंगा का जो क्लॉथिंग सेंस है व्हाइट और गोल्ड कलर उसी से इंस्पायर्ड होकर के उसी कलर को अडॉप्ट करके बनाया गया था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेलिंग थी। लेकिन लास्ट जो बोनस डिटेल है जिसको सुन के तुम्हारा माइंड ब्लो होने वाला है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बताऊंगा, तो मूवी की स्टार्टिंग से ही तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जब पहली बार ये तीनों लौंडे रंगा से मिलते हैं तो इन तीनों लौंडों में जो बीबी नाम का बंदा होता है, जो पहली बार रंगा से जाकर के मिलता है, जिसके ऊपर रंगा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, वो येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है। अब ध्यान से नोटिस करना, ये येलो कलर का सिंबोलिज्म बहुत ही ज्यादा डार्क है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा बीबी जो होता है वो येलो कलर का पहना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद मूवी का सीन जब आगे बढ़ता है, जिसका सिंबोलिज्म कुछ इस तरीके से आता है कि उस टाइम सबसे ज्यादा क्लोज हमारे रंगा के कौन होता है, बीबी। बीबी ही सबसे ज्यादा रंगा के ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है उस टाइम, और बीबी ही सामने से जाता है, हाथ मिलाता है, बीबी ही सामने से बात करता है, और ये येलो कलर का टी शर्ट वही पहना हुआ होता है। और ये येलो कलर का रिप्रेजेंटेशन यही शो करता है अभी हमारे रंगा के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव कौन कर रहा है, बीबी। बीबी हमारे रंगा के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव कर रहा है, उसकी बातों पे बिलीव कर रहा है, उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। एंड आफ्टर दैट जब मूवी आगे बढ़ती है तो वो येलो कलर का टी शर्ट बीबी ना पहन के उसके अगले सीन में शांतन पहना हुआ होता है। एंड ये शांतन येलो कलर का टी शर्ट उस टाइम पहना हुआ होता है जब हमारे रंगा की स्टोरी उसके जो बंदे होते हैं वो हमारे तीनों लॉन्डो को सुना रहे होते हैं। एंड एक चीज नोटिस करोगे तो उसमें ये जो दो बंदे होते हैं, मतलब हमारा बीबी और हमारा अज्जू, ये दोनों येलो कलर का टी शर्ट नहीं पहने हुए होते हैं। एंड उस समय तुम उनके कैरेक्टर को नोटिस करोगे तो उस समय यही दोनों बंदे होते हैं जो हमारे रंगा की स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, उनकी स्टोरी को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन वही जो शांतन, जो कि येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है, वो हमारे रंगा की स्टोरी पे बिलीव कर रहा होता है, बहुत क्यूरियोसिटी से उन सबसे पूछ रहा होता है कि आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो कि ऑब्वियसली तुम समझ ही सकते हो कि येलो कलर का टी शर्ट इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी सबसे ज्यादा रंगा की बातों के क्लोज कौन है, रंगा के क्लोज कौन है, शांतन, इसीलिए वो येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है। एंड धीरे धीरे मूवी जैसे आगे बढ़ती है, ये येलो कलर का टी शर्ट फेड होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले ये कैरेक्टर पहना है, जैसे पहले बीबी कैरेक्टर येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है, फिर शांतन येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है, फिर एक सीन और आती है जहां पर हमारा अज्जू भी येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ होता है। जब चारों के चारों कैरेक्टर बाथरूम कर रहे होते हैं, जो कि बहुत छोटी सी 5-10 सेकंड की सीन होती है, वहां पर तुमको अज्जू येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ दिखता है। उसके बाद तुम्हें ये दिखेगा ही नहीं कोई भी कैरेक्टर टी शर्ट पहने येलो कलर का, क्योंकि धीरे धीरे करके इन तीनों की तीनों कैरेक्टर का जो ट्रस्ट था रंगा के ऊपर वो धीरे धीरे करके टूटता चला जाता है। एंड येलो कलर का फेडिंग डाउन यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो तुम्हें ये पता ही होगा रंगा के ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, रंगा को अपना आइडियल मानना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि रंगा बहुत साइको कैरेक्टर, वो हम लोगों को मार देगा। एंड यही चीज उनके येलो कलर के टी शर्ट को सिंबलाइज करती है। पहले वो येलो कलर का टी शर्ट पहने हुए तो होते हैं, लेकिन
मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो येलो कलर का टी शर्ट पहनना बंद कर देते हैं। एक सीन ऐसी आती है मूवी के बीच में जहाँ पर हमारा बीबी जो होता है वो येलो कलर का टी शर्ट तो पहना हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर कोट पहना हुआ होता है, जो कि ये शो करता है कि अभी जो उन सबके ऊपर जो रंगा का ट्रस्ट है वो धीरे धीरे करके फेड होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे करके रंगा के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर रहे हैं, येलो कलर का जो सिम्बोलिज्म है वो फेड होता जा रहा है। जैसे जैसे मूवी और भी आगे बढ़ती है तो ये तीनों कैरेक्टर येलो कलर के टी शर्ट नहीं पहने हुए दिखते हैं, जो कि इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग डिटेल था, मैं खुद सुन के शॉक हो गया। खैर तुम्हें इन कलर डिकोडिंग वाले डिटेल्स के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।